हाँ भाई आप बोल दो, ओवर एक्टिंग की दुकान है जी, 50 रुपये काटो ओवर एक्टिंग के। भाई काटो, 100 काटो, 200 काटो, 400 काटो, ठीक है। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो दोस्तों बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से है कि अब भाई आज ट्राई करने जा रहा है जी भाई देसी घी रोस्टेड चिकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई सबसे पहले तो आपको एज यूजल जैसे हम कट मारते हैं, आपको ये कट मारने हैं जी सारे पीसेस में, ठीक है जी, ऐसे गहरे गहरे कट। तो ये जो चिकन है जी ये केवल 800 ग्राम है। तो दोस्तों कट मैंने लगा दिए सब पीसेस में। अब पड़ेगा जिसमें आधा नींबू, आधा नींबू, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भाई कश्मीरी लाल मिर्च, भाई थोड़ा सा नमक भाई स्वाद अनुसार, और 200 ml दही। तो इसे अब मैरिनेट कर लीजिए। तो इसे केवल 15 से 20 मिनट अब रेस्ट दीजिए। तो दोस्तों भाई चिकन जब तक मैरिनेट होता है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। भाई फ्राई पैन में लगा दिया है, काफ़ी गर्म हो गया हुआ है, इस पर कुछ मसाले रोस्ट करने हैं। ये है जी भाई साबुत मिर्च करीब 5, करीब 1.5 स्पून भाई साबुत धनिया, 1 टीस्पून भाई काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, करीब 1.5 स्पून सौंफ, साबुत सौंफ भाई, 1 चम्मच ज़ीरा। इसे रोस्ट कीजिए भाई, जलाना नहीं, ठीक है, ध्यान रहे चीज़ का, 30 सेकेंड से 1 मिनट बस, उससे ऊपर नहीं। तो दोस्तों गाइस ग्राइंडर में शिफ्ट कर दिया मैंने इसे, ठीक है जी। इसमें आधा नींबू मिक्स कीजिए आप भाई, 4 से 5 कलियाँ भाई गार्लिक की यानी लहसुन की, और ये अदरक बस, और थोड़ा सा पानी मिला लीजिए बस। तो कर लो जी इसे ग्राइंड। तो भाई लो दोस्तों पेस्ट बन गया जी। ओहो, अब करते हैं तीसरी तैयारी। कढ़ाई मैंने लगा दी है जी, इसमें डलेगा जी भाई देसी घी, ठीक है जी, करीब 2 टेबल स्पून। तो इसको अच्छी तरह से थोड़ा गर्म कर लीजिए। अपना देसी घी गर्म हो गया है, अब डलेगा जी इसमें भाई प्याज, केवल 3 प्याज चॉप किए हुए। तो इसे आपने ब्राउन करना है जी। तो दोस्तों भाई प्याज ब्राउन हो गए जी हल्के हल्के से, बस इतने ही करने हैं, ठीक है। अब हम इसमें चिकन शिफ्ट करते हैं। चिकन मैंने शिफ्ट कर दिया, थोड़ा बहुत जो मैरिनेशन का दही है भाई वो भी डाल देंगे इसी अंदर। तो दोस्तों भाई चिकन मिलाने के बाद, ठीक है, आपने अब क्या करना है जी, इसको जो ये जो पानी देख रहे हो आप, ये थोड़ा दही का पानी, खुद का पानी है ना, इसको आपने ड्राई करना है। तो 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको ड्राई करने में, ढक्कन रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हाई फ्लेम पे। भाई हल्की हल्की उबाल आना स्टार्ट हुआ है, तो इसमें हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और मिला लेंगे, करीब 1 चम्मच। तो इसको अच्छी तरह से मिला लो। तो दोस्तों करीब भाई काफ़ी टाइम लगा इसको, 15 मिनट लगे इसको थोड़ा ग्रेवी कम होने में, ठीक है ना, और इतनी सी ग्रेवी रह गई है। तो इन द मीन टाइम हम मिलाएंगे जी इसमें मसाला जो हमने बनाया हुआ था। तो भाई करीब अब 5 मिनट तक इसको पकाओ, ठीक है, कड़छी चलाते रहना हाई फ्लेम पे, और लगे हाथ नमक भी डाल दो स्वाद अनुसार। तो करीब 5 मिनट पकाने के बाद, ठीक है जी, इसमें डालिए आधा गिलास पानी, ज़्यादा नहीं मिलाइएगा। अब एक उबाल का वेट कीजिए, एक उबाल आने के बाद हमने इसको लो फ्लेम करना है जी, ढक्कन बंद करना है और 15 मिनट पकाना है। तो दोस्तों ढक्कन कर दो बंद, लेकिन हर 5 मिनट के बाद इसको चलाते रहिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों करीब 15 मिनट हो गए जी, ठीक है। ओहो हो, मीट हमारा गला नहीं गला, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास, ठीक है। और ग्रेवी देखो यार क्या बनी है ना। तो अब कुछ नहीं करना है, अब इसमें हम लाएंगे जी 10 से 12 कड़ी पत्ते, इसे मिलाओ अच्छी तरह से। अब मिलेगा जी लास्ट चीज़, वो है जी गुड़, करीब 1 टेबल स्पून, इसको अब मिला लो अच्छी तरह से। तो ये सब मिलाने के बाद, ठीक है जी, देखो क्या बनी है, बस केवल 2 से 3 मिनट और पकाइए, इसे ऊपर नहीं। तो भाई दोस्तों करीब 2 मिनट पकाने के बाद, ठीक है, गैस कर दीजिए बंद, अब करते हैं जिसे टेस्ट। तो भाई लो दोस्तों भाई बनके तैयार हुए जी अपना भाई देसी घी रोस्टेड भाई चिकन। भाई देखो यार, भाई देखो कैसा लग रहा है ना, हाँ बताओ कैसा लग रहा है। ये ग्रेवी है, ग्रेवी क्या है, वही मसाला, ठीक है। घुमाते हैं इसको यार ऐसे करके, ये देखो, हाँ ग्रेवी है कुछ नहीं है, सिर्फ मसाले की ग्रेवी है, एकदम गाढ़ी, हाँ कैसी लग रही है, देखो अच्छी लग रही है ना। भाई साथ में क्या लिया जी, भाई साथ में लिया जी ये भाई खीरा, हाँ। तो भाई अब क्या किया जाए, भाई ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले मैं ये जो ग्रेवी है ना, कौन सी, ये गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी, ये मैं ऐसे उठा के ना ये इधर डालता हूँ। देखो ग्रेवी है ना, ग्रेवी ये मोटी ग्रेवी भाई ये बताएगी कि भाई ये क्या चीज़ बनी है, ठीक है ना, ये है जी डिसाइडिंग पार्टी। तो आ भाई ये कड़ी पत्ता भी आ गया, तो भाई खा लो इसको। ओह 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 भाई क्या चीज है यार, क्या चीज है, क्या फ्लेवर है यार, सबसे अलग फ्लेवर आज मैंने ये फील किया है
सच में कह रहा हूँ। और मुझे मालूम है कि कैमरे में ये थोड़ा पीला पीला दिख रहा होगा, भाई पीला नहीं है, ये ब्राउन है। और मैं दिखाता हूँ, जो ये जो देख रहे हो ना एरिया, ये ग्रेवी शेवी, ये थोड़ी ब्राउनिश है। मुझे मालूम है कैमरा भाई आपको थोड़ा सा ना वो दिखाएगा, पेल दिखाएगा, येलो दिखाएगा ये, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। क्या ग्रेवी बनी है यार, क्या टेस्ट है इसका। भाई खट्टा खड़ा, मीठा मीठा और तीखा तीखा। जी करता उस बंदे के ना हाथ चूम लूं जिसने ये रेसिपी इन्वेंट की है यार। सबसे अनोखी रेसिपी है ये, अनोखी। जावर 3x, जावर है 3x, 2x नहीं, 1x नहीं भाई, 3x। सच में कह रहा हूं, अभी तक की बेस्ट रेसिपी। क्या फ्लेवर है यार, क्या फ्लेवर है। हाँ भाई आओ लेते हैं कोई पीस। भाई क्या लेंगे, लेग पीस? और ये रहा वे, वो आवे, वो कांच छुप के बैठा तू, आ जा जा जा। भाई इसे मैं खाऊंगा आज, दिल से कहता हूँ मैं भाई, लगा लगा के। और ये डालूंगा इसके ऊपर मैं ये ग्रेवी। भाई मेरा तो क्या बता ही दूँ मैं आपको, क्या बताऊँ मैं आपसे भाई, कातिल है कातिल। हाँ भाई आप बोल दो ओवर एक्टिंग की दुकान है जी, 50 रुपये काटो ओवर एक्टिंग के, भाई काटो, 100 काटो, 200 काटो, 400 काटो, ठीक है भाई करूँगा। ये रेसिपी ऐसी है, क्या स्वाद है यार, क्या स्वाद है, क्या मसाले का स्वाद आ रहा है यार, क्या गुड़, हाय हाय गुड़ क्या फ्लेवर दे रहा है यार, वही मीठा मीठा। जिसने भी ये रेसिपी इन्वेंट की है, मैं अभी भी कहता हूँ ऊपर वाला, उसकी उम्र भाई 250 साल कर दे, वो जी करता उसके ना हाथ चूम लूँ यार, जिसने इसको इजाद किया हुआ है। क्या फ्लेवर है यार। भाई मुझे ना अभी अभी पोटा दिखा, पोटा मैं देखूँ कि ये घी रोस्टेड में भाई पोटा अब क्या तहलका मचाने वाला है, हा? तहलका। और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि पोटा बनाई मसालों के लिए है। भाई साहब तबाही है तबाही। मैं अब जरूर ये रेसिपी दो जगह यूज करूंगा, एक मटन के ऊपर और इस पोटे के ऊपर, सिर्फ पोटे के ऊपर, कलेजी के ऊपर नहीं, सिर्फ पोटे के ऊपर। अगर दुकानदार ने पोटा से पोटा दिया मेरे को तो वो कलेजी भी ठोक देते साथ में। यार क्या चीज़ है यार, ये प्रॉमिस आपसे। मुझे देखना है कि मटन में ऐसा क्या फ्लेवर आएगा, क्यों, क्योंकि मटन खुद में भी बड़ा ही खतरनाक फ्लेवर देता है। मुझे देखना कि मसाला मिल गया क्या कर, क्या तबाही मचाने वाला है उसके साथ में। बड़ा मैं ये बहुत जल्दी बनाऊंगा लेकिन मुझे रहा नहीं जा रहा। मीठा मीठा, तीखा तीखा, खट्टा खट्टा, खूब एंजॉय करोगे भाई, को याद करोगे याद। तो भाई अब तो किंग वेट कर रहा है, चला रहा है वो भाई, खिला फटाफट। तो भाई लो दोस्तों, भाई किंग की एंट्री हो चुकी है। हाँ तो भाई अब क्या किया जाए, अब मस्त मस्त कोई पीस निकाल के अटैक किया जाए। तो भाई आय हाय हाय, किंग चला चला के घर, भैया खा ले खा ले, बहुत गजब टेस्ट आने वाला है तेरे को। चिकन के पीस भी आ गए यार। देखो ये साउथ की डिश है भाई, आप सभी साउथ के भाइयों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा बहनों को भी। भाई क्या डिश है आपकी यार। क्या टेस्ट है यार किंग के साथ। जाबरा 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 नहीं, जाबरा। आओ भाई आओ, अब से खाते हैं थोड़ा पीस लगा के, थोड़ी ग्रेवी देखते हैं यार, वो निकाल निकाल के देखो ना। ऑब्वियसली बात है यार, ये जैसे इसकी ग्रेवी है ना,
इसका मजा तो आएगा भैया बटर नान के साथ खाने में, आएगा नहीं लच्छा पराठे के साथ खाने में, पर अपना तो किंग ही सब कुछ है, इसमें तो अपनी हाथों बसती है। भाई देसी घी भी क्या चीज़ है यार, क्या चीज़ बनाई है रब ने यार, देसी घी फुल ऑफ फ्लेवर, फुल ऑफ फ्लेवर। खीरा कह रहा है भैया खा ले, मेरे को भी खा ले, अब वहीं पे डूब रहेगा क्या, मेरे पे भी टाइगर ले। भाई आज तो दिन बना दिया देसी घी रोस्टेड ने सच में। हाँ भाई देखो जी इसकी खासियत क्या है, देखो इसका टेस्ट किसने बढ़ाया, वो है जो सच्चाई ही है, वो है जो मसाला हमने ग्राइंड किया उसमें वही कुछ जाबर चीज़ कर रहा है, उसके बाद देसी घी तो है ही है, और उसके बाद गुड़, गुड़ ने तो ऐसा तहलका मचा दिया हुआ है, ऐसा तहलका मचा दिया हुआ है, मैं क्या ही बताऊँ आपसे, क्या फ्लेवर है यार, जरूर ट्राई करूंगा इसको पोटे के ऊपर मटन के ऊपर। तो दोस्तों भाई ये थे आपका भाई का बनाया हुआ भाई देसी घी रोस्टेड चिकन, जरूर ट्राई करना और कमेंट जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में।